गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 10 की शुरुआत में हम युहेई को देखते हैं जो कि मीना से कहती है कि मुझे पता है कि तुम तैक्यूंग को पसंद करती हो और अभी मैं जाकर ये बात तैक्यूंग को बताती हूँ। बट मीना ऐसा करने से मना करती है, तो जिस पर हेई कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात तैक्यूंग को ना बताऊँ तो फिर तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँगी। आफ्टर दैट वो सभी मेंबर्स को चिल्लाते हुए बुलाती है एंड कहती है कि मीना की तबीयत खराब हो रही है। आफ्टर दैट वो चिल्लाते हुए सभी मेंबर्स को बुलाती है एंड एक्टिंग करते हुए कहती है कि तैक्यूंग ऊपर देखो मीना को क्या हो गया, आई थिंक इसे बुखार आ रही है। जिसके बाद तैक्यूंग मीना को अपना हैंड देकर उससे उठाता है, जिसके बाद वहाँ पे ओनर आकर मीना को अपने साथ घर ले जाते हैं। एक अंकल जब नींबू लेकर जा रहे होते हैं तो तैक्यूंग उनसे कहता है कि क्या प्लीज मैं एक अपने पास रख सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट वहाँ पे शिनवू आता है एंड अंकल से कहता है कि अंकल प्लीज क्या मैं 2 नींबू रख सकता हूँ। एंड एट लास्ट हमारा जर्मी वॉज लाइक ओ अंकल सुनो तो मैं भी हूँ, मेरे लिए तो रुको। जिसके बाद जर्मी भी अंकल से काफी सारे नींबू ले लेता है। जर्मी कहती है कि अंकल आपको पता है क्या कि इस नींबू में ना बहुत ही ज्यादा विटामिन्स होते हैं, दैट्स व्हाई मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ ताकि मैं अपने फ्रेंड को दे सकूँ जिसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। और गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है कि आखिर तैक्यूंग शिनवू एंड जर्मी नींबू के पीछे क्यों पड़े थे। वो सभी जब वापस जा रहे होते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट कहती है कि वैसे मुझे इस वैन में से नींबू की स्मेल कहाँ से आ रही है। जिसे सुनकर वो तीनों मेंबर्स वाज लाइक मुझे नहीं पता, आई मीन हमें नहीं पता। एंड आफ्टर दैट वो तीनों अपने अपने नींबू को देखकर स्माइल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीना घर में अकेले बैठकर रो रही थी। जर्मी जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो मीना को पागलों की तरह फाइंड करना स्टार्ट कर देता है एंड देन उसके पास जाकर उससे कहता है कि गोमिनम तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, क्या तुम घर में अकेली हो, तो फिर आंटी कहाँ गई, आई मीन तुम्हारी बुआ जी। तभी वहाँ पे शिनवू आकर कहता है कि मीना तुम्हें तो बुखार है, क्या तुम्हें मेडिसिन चाहिए। मतलब गाइस कोई हमें भी मिल जाए इतनी केयर करने वाला। गाइस आई एम जस्ट जोकिंग, मजाक कर रही थी, आप लोग सीरियस मत होना। बिकॉज मेरे पास मेरा भाई है जो काफी है। बट तैक्यूंग उससे काफी ज्यादा रूड बिहेव करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, तुम्हारी वजह से हमारा सारा शूट खराब हो गया। जिसे सुनकर हमारा जर्मी वॉज लाइक ओए मीना तो उसकी बात पे ध्यान मत दे यार, पागल है वो। यार मीना तो उसकी बात पे ध्यान मत दे, पागल है वो किसी को कुछ भी बोलता रहता है, कब कहाँ किसे और क्या बोल देता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। और वैसे भी हमारा शूट तुम्हारे बिना भी काफी अच्छे से हो गया, सो प्लीज टेंशन मत लो और उस पागल को तो भूल ही जाओ। वहीं दूसरी तरफ तैक्यूंग मीना की डॉल को देख कर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था एंड देन वो लेमन की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर मैं इसे गोमिनम को खिलाऊं कैसे, क्योंकि वो पागल तो खुद से इसे खाएगी नहीं। तैक्यूंग जब नींबू पानी बनाने के लिए किचन जाता है तो वो सामने जर्मी एंड शिनवू को देखता है, जहां वो दोनों भी अपने अपने नींबू के साथ मीना के लिए जूस बनाने में बिजी होते हैं। और ये सब देखकर हमारा तैक्यूंग वॉज लाइक मेरे नींबू की तो गजब बेइज्जती है। जर्मी उसे देखते हुए कहता है कि अरे तैक्यूंग भाई आपने भी नींबू लिया है। जिसे सुनकर तैक्यूंग उस लेमन को खाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। जर्मी कहता है कि इसका मतलब कि आप ये नींबू अपने खाने के लिए लाए हो, क्या ये खट्टा नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो शूट में आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके टंग को किसी ने लकवा मार दिया हो, और अगर आपने एक और नींबू और खाया ना तो फिर आपकी जीभ बाहर ही आ जाएगी, बट अब नहीं लग रहा क्या। तो जिस पर तैक्यूंग कहता है कि बिल्कुल नहीं, बिकॉज शूट में इतने सारे नींबू खाने के बाद अब मुझे नींबू अच्छे लगने लगे। बट 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 गाइस नींबू खाने के बाद तो हमारे तैक्यूंग का रिएक्शन देखने लायक था। जर्मी तैक्यूंग के पास जाते हुए कहता है कि एक्चुअली तैक्यूंग भाई मैंने ना कुछ ज्यादा ही नींबू ला लिए हैं, सो प्लीज आप इन्हें भी खा लीजिए। तो जिस पर हमारा तैक्यूंग बाहर से तो कहता है कि हाँ हाँ खा लूंगा, तेरे पास और हो तो और दे दे।
बट अंदर से उसकी हालत क्या हो रही थी वो तो वही जानता है। तय क्यों कहता है कि भगवान अगर मैंने एक नींबू और खाया ना तो इस बार पक्का मेरे जीभ के साथ साथ मेरे दांत भी बाहर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम शिनवू को देखते हैं जो कि मीना की काफी ज्यादा केयर कर रहा था। शिनवू कहता है कि मीना प्लीज तुम बीमार होना बंद करो। सेम नाइट टैक्यूंग अपने आप से कह रहा होता है कि आज तो यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है क्योंकि गोमिनम मेरे रूम में नहीं है, बट फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही नींबू खा लिए हैं जिसकी वजह से मेरी नींद गायब हो गई? टैक्यूंग जैसे ही फ्रिज को बंद करता है तो वो सामने मीना को देख कर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वेल, यहाँ पे मीना की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद टैक्यूंग मीना को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने कार से हॉस्पिटल ले जाता है। बट मीना हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। जिसे सुनकर टैक्यूंग मीना को काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है बट मीना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। क्यूंग मीना की काफी ज्यादा केयर करते हुए कहता है कि देखो गोमिनम, अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो और अगर तुम मेरे ऊपर वॉमिटिंग करना चाहती हो तो वो भी कर सकती हो, बट प्लीज अपने दांतों को दबाकर अपने आंसुओं को छिपाना बंद करो। टैक्यूंग जब किचन में होता है तभी वहाँ पे शिनवू आकर उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो जिस पर टैक्यूंग उसे बताता है कि अभी मीना की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। जिसे सुनकर शिनवू मीना के पास जा ही रहा होता है बट टैक्यूंग उसे जाने से मना कर देता है। टैक्यूंग कहता है कि तुम जाकर सो जाओ एंड मीना को मेरे हवाले छोड़ दो, मैं उसका ध्यान काफी अच्छे से रख लूंगा। जिसे सुनकर शिनवू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। एक्चुअली टैक्यूंग ये सब इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि शिनवू को पता चले कि मीना एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। बट अब टैक्यूंग को क्या पता कि मीना की सच्चाई के बारे में शिनवू को तब से पता है जब टैक्यूंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और आज यहाँ पे पहली बार हमारा टैक्यूंग मीना की काफी ज्यादा केयर करता है। और गाइस, क्या आपने एक बात नोटिस की कि आज पहली बार हमारी मीना टैक्यूंग के बेड पर सो रही है? वरना हमारा टैक्यूंग तो मीना को नीचे वो भी आधे बिस्तर में सोने के लिए बोलता है। मीना टैक्यूंग से कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर हमारा टैक्यूंग वॉज लाइक क्या थैंक यू एंड देन आई एम सॉरी, तो जिस पर मीना कहती है कि हाँ बिल्कुल। टैक्यूंग कहता है कि अभी तक मैं तुम्हें किसी भी हाल में खुद से दूर करना चाहता था बट अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा, कि तुम्हारी केयर करूंगा। वेल, मीना से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद टैक्यूंग वहाँ से चला जाता है एंड टैक्यूंग के जाते ही हम सभी व्यूअर्स को जोर का झटका जोरों से लगता है क्योंकि टैक्यूंग अपने रूम सोने चला गया था। इसका मतलब कि मीना अभी जिस बेड पे सो रही है वो बेड टैक्यूंग का नहीं है। वरना खड़ूस टैक्यूंग भाई साहब मीना को अपने बेड पर सोने दे, अरे पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये कि हम सभी अभी तक टैक्यूंग को फालतू में ही काफी अच्छा समझ रहे थे। हाँ, कुछ मामलों में वो अच्छा जरूर है बट कुछ मामलों में बहुत ही बुरा। टैक्यूंग जो अपने रूम जा रहा होता है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि शिनवू भी मीना के रूम के बाहर काफी देर से खड़ा था। शिनवू कहता है कि क्या मीना ठीक होगी एंड देन अपने आप से कहता है कि जब तक मैं ठीक हूँ तो चलो मैं तब तक यहीं पे खड़ा रहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर मेकअप आर्टिस्ट से कह रहे होते हैं कि क्यों ना हम गोमिनम को फेमस करने के लिए एक इंडियन प्रिंसेस के साथ उसका डांस करा दें, वो भी बिल्कुल इस तरह। एंड गाइस, जब यहाँ पे हमारी गोमिनम डांस कर रही होती है ना तो यहाँ पे एक पंजाबी सॉन्ग प्ले होता है जो मैं अभी प्ले नहीं कर सकती बट हाँ आपको बता जरूर सकती हूँ। तो उस गाने की लिरिक्स कुछ ऐसी हैं, तुड़ुक दुड़ुक दुम ताना ना ऐसे कुछ करके है ना, कोई पंजाबी सॉन्ग वही वाला प्ले हो रहा था। एंड वैसे भी अगर आप के पॉप एंड के ड्रामास काफी दिनों से देख रहे हो तो फिर आपको ये बात पता ही होगी कि ये सॉन्ग टुड़ुक दुड़ुक दुम ताना ना सॉन्ग कोरिया में काफी ज्यादा फेमस है एंड BTS के मेंबर आर्यन ने भी इस सॉन्ग को बचपन में कई बार गाया है। सो गाइस, अगर आपको ये बात पता थी तब भी और अगर नहीं पता थी तब भी आप लोग कमेंट में लिखो ताना ना, लिरिक्स नहीं आती है ना, जो आती है वही लिखो। तो चलो बकवास ज्यादा हो गई, अब ड्रामा पे आते हैं। और ये सब सुनकर मेकअप आर्टिस्ट वॉज लाइक
हद है यार, मतलब कैसे पागल इंसान हो यार तुम। तुम्हें क्या लगता है कि इंडिया में अभी भी प्रिंसेस हैं जो बैठकर तुम्हारे आने का वेट कर रही हैं? देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम तैक्यू को शॉप में देखते हैं जहां वो मीना के लिए कपड़े लेने गया हुआ था। तैक्यू वहां पे जिस भी कपड़े को देखता उसे उसमें मीना ही दिखाई देती। जेरमी एंड शिनवू जब मीना की काफी ज्यादा केयर कर रहे होते हैं तभी वहां पे यूहे भी आ जाती है, जिसे देखते ही वहां पे सभी का मूड फिर से खराब हो जाता है। आफ्टर दैट यूहे शिनवू एंड जेरमी को जानबूझकर छोटे मोटे काम में फंसा कर वहां से बाहर भेज देती है एंड देन मीना को ब्लैकमेल करने लगती है। तो जिस पर मीना कहती है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं बहुत जल्द ही जेरमी एंड शिनवू दोनों को बताने वाली हूँ कि मैं लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। जिसे सुनकर यूहे ही मीना पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ठीक है तुम यहाँ पे सभी को अपनी सच्चाई के बारे में बता देना और हाँ तैक्यूंग को भी ये बात बताना मत भूलना कि तुम तैक्यूंग को पसंद करती हो। एंड आफ्टर दैट वो मीना के हाथ से ग्लास को नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर शिनवू वहाँ पे भागते हुए आता है। वेल शिनवू को देखते ही मीना यूहे ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि जैसे मीना उसे बुली कर रही है, बट हमारे शिनवू को तो पता ही था कि मीना कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। शिनवू जब बाहर जा रहा होता है तो यूहे उससे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि मीना तुम लोगों से कुछ छिपा रही है? जिसे सुनकर हमारा शिनवू वॉज लाइक मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और अगर मीना हम सभी से कोई बात छिपा रही है तो पक्का उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ये सब सुनने के बाद हेई अपने आप से कहती है कि अगर शिनवू को पता चला कि मीना एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है तो वो उसे बड़े आराम से माफ कर देगा। आखिर ये खुद को समझता क्या है, क्या ये कोई पंडित या फिर संत है? तभी वहाँ पे जेरमी आकर कहता है कि ओए तुमने मीना को कुछ कहा है क्या? तो यूहे कहती है कि मैंने मीना को नहीं बल्कि मीना ने मुझे कहा है। तो जिस पर जेरमी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो प्लीज यार तुम उसे माफ कर दो क्योंकि उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। आई होप कि तुम समझ सकती हो। जिसे सुनकर हेई कहती है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मीना कुछ भी गलत करेगी तो तुम उसे माफ कर दोगे? तो जिस पर जेरमी कहता है कि बट मीना ने तो आई थिंक कि आज तक कुछ गलत किया ही नहीं। यूहे जेरमी से कहती है कि अगर तुम्हें मीना की कोई बात पता चले जो वो तुम सभी से छिपाने की कोशिश कर रही हो तो फिर तुम क्या करोगे? जिसे सुनकर हमारा टैकिंग वॉज लाइक माफ कर दूंगा और क्या, क्योंकि मैं मीना को पसंद करता हूँ और जब तक मैं मीना को पसंद करता हूँ तब तक मैं उसे उसके हर काम के लिए माफ कर सकता हूँ। एंड आफ्टर दैट वो भागते हुए मीना के पास चला जाता है और ये सब सुनने के बाद हेई वॉज लाइक आखिर ये जेरमी खुद को समझता क्या है, क्या वो गोमिनम का पेरेंट है जो उसकी हर बात जानने के बाद भी वो उसे माफ कर देगा? तैक्यूंग जब वापस आता है तो वो यूहे से कहता है कि ओए डेविल एंजल तू यहाँ पे क्या कर रही है? तभी हेई नोटिस करती है कि तैक्यूंग ने अपने बैग में लड़कियों के कपड़े लिए हुए हैं और जब तैक्यूंग अंदर जाने लगता है तो यहाँ पे हेई को ये भी पता चल जाता है कि वो कपड़े किसी और के लिए नहीं बल्कि गोमिनम के लिए हैं। हेई जब तैक्यूंग को कपल रिंग पहनने के लिए देती है तो तैक्यूंग उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मीना को जेरमी एंड शिनवू के पास देखते हैं जहाँ वो उन दोनों को बताने वाली थी कि मैं एक लड़का नहीं बल्कि लड़की हूँ। वहीं दूसरी तरफ हेई सोच रही होती है कि अगर ये बात जानने के बाद भी कि मीना लड़का नहीं बल्कि लड़की है, जेरमी एंड शिनवू ने उसे माफ कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगी? और अगर तैक्यूंग को ये पता चला कि मीना उसे पसंद करती है एंड उसने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा? ये सब सोचने के बाद हेई भागते हुए अंदर जाती है एंड देन वहाँ जाकर वॉमिटिंग की एक्टिंग करने लगती है। और ये सब देखकर हमारा जेरमी वॉज लाइक तो जो ये यू हेई कर रही है तो इसका मतलब क्या वही है जो मैंने टीवी ड्रामास में देखा है? तो जिस पर शिनवू कहता है कि नहीं पता यार, हो भी सकता है। एंड एट लास्ट तैक्यूंग हेई पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि रे गधी पागल वागल हो गई है क्या, ये तो क्या कर रही है? बट अब क्योंकि हेई तैक्यूंग के किसी भी बात का आंसर नहीं देना चाहती थी, दैट्स व्हाई वो फिर से वॉमिटिंग की एक्टिंग करते हुए वॉशरूम की ओर चली जाती है। जेरमी तैक्यूंग से कहता है कि
तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हमें तुम्हारे लिए पार्टी करनी चाहिए? एंड देन शिनवू कहता है कि क्या हेई को जो ये हो रहा है वो तुम्हें ने किया है? तैक्यूंग हेई पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि डेविल एंजल झूठी कहीं की आस्तूत हो गई। अंदर आने के बाद हेई कहती है कि अरे वाह, मैं तो जीनियस हूँ। आई थिंक की बेस्ट एक्ट्रेस एंड ऑस्कर का अवार्ड तो मुझे मिलना चाहिए। एंड देन वो मीना को कॉल करके कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी सच्चाई को सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को बताओ, बिकॉज मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने सच्चाई के बारे में पूरे कोरिया को बताओ। हेई जब बाहर आती है तो तैक्यूंग उसे कहता है कि रे पागल, पहले करना फिर उप्पा आई एम रियली सॉरी बोलना, ये किसने सिखाया तुझे? बट यू हेई उसकी सभी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद तैक्यूंग हेई के पीछे पीछे बाहर आता है एंड देन उसका फोन लेकर उससे कहता है कि अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम्हारे स्पीड डायल नंबर 1 पे कौन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं नंबर 1 पे हूँ। तो जिस पर हेई कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि नंबर 1 पे तो मेरे डैड हैं। तैक्यूंग कहता है कि क्या तुम अपने बाप डैड से डरती हो? तो जिस पर हेई कहती है कि हाँ यार बिल्कुल, क्योंकि मेरे डैड ना बहुत खतरनाक डेंजरस हैं, और अगर तुम उन्हें मिल गए ना तो फिर वो तुम्हारे सर के सारे बाल बाहर निकाल लेंगे। जिसे सुनकर हमारा तैक्यूंग वाज लाइक तब तो ये काफी अच्छी बात है कि तुम अपने डैड से डरती हो। जिसके बाद वो उसे एक मैसेज दिखाता है जो कि तैक्यूंग हेई के डैड को सेंड करने वाला है, जिसमें लिखा होता है कि डैड आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। जिसे देखकर हेई तैक्यूंग से फोन छीनने की कोशिश करती है एंड देन उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो यार, प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि अगर मेरे डैड को पता चला ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर चाहे वो झूठे क्यों ना हो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। प्लीज मेरा फोन मुझे वापस करो एंड प्लीज उस मैसेज को सेंड मत करना। बट अब हमारा तैक्यूंग उसकी बात कहाँ सुनने वाला है। तैक्यूंग काफी प्यारी सी स्माइल करते हुए एट लास्ट वो मैसेज हेई के डैड को सेंड कर ही देता है, और ये सब देखकर हेई वाज लाइक कह दो कि ये झूठ है, कि क्या तुमने सच में मेरे डैड को मैसेज सेंड कर दिया? तैक्यूंग कहता है कि डेविल एंजल अब तुम क्या करोगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारे सर से सारे बाल गायब होने वाले हैं। तैक्यूंग के जाते ही हेई को उसके डैड का कॉल आता है। हेई कहती है कि डैड जैसा आप सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ रही हूँ आपके पास। अंदर जाने के बाद तैक्यूंग कहता है कि तुम तीनों ध्यान से सुनो, जैसा तुम लोग सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, सो प्लीज अपने दिमाग में ना गंदे ख्याल लाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बट यहाँ पे हमारे प्यारे से चुलबुले जर्मी का रिएक्शन तो देखने लायक था, जिसे देखकर तैक्यूंग कहता है कि अभी अभी मैंने तुमसे कहा ना कि प्लीज अपने दिमाग में गंदे ख्याल लाना बंद करो, और जैसे तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं थक गया बोलते बोलते। वहीं दूसरी तरफ तैक्यूंग की मॉम एक सॉन्ग को सुनते हुए कह रही होती हैं कि ये गाना तुमने मेरे लिए लिखा था ताकि मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊं, एंड मुझे पता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे से प्यार किया है, तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो जैसे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे। एंड गाइस, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि गोमिनम यानी कि हमारी मीना के डैड एक सॉन्ग राइटर थे। सेम नाइट मीना तैक्यूंग से कहती है कि मेरे भाई के वापस आने के बाद जब मैं फिर से एक लड़की बन जाऊंगी तब प्लीज आप मुझे देखकर ऐसा प्रिटेंड करिएगा कि जैसे आप मुझे नहीं जानते। जिसे सुनकर तैक्यूंग को थोड़ा बुरा तो लगता है, बट देन वो काफी एटीट्यूड से कहता है कि हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, कि तुझे देखकर ऐसी एक्टिंग करूंगा कि जैसे मैं तो तुझे जानता ही नहीं हूँ। मीना जब अपने रूम जाती है तो उसे वहाँ पे वही ड्रेस मिलता है जो कि तैक्यूंग ने उसके लिए बाय किया था। तैक्यूंग उसे मैसेज करके काफी गुस्से में कहता है कि ये कपड़े तुम्हारे लिए हैं, कि जब तुम्हें इमरजेंसी में कहीं जाना हो ना तो तुम इन्हें पहन सकती हो। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम ओनर को देखते हैं जो कि मीना के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे थे, बिकॉज मीना का पहला सिंगल सॉन्ग रिलीज होने के बाद काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे। यू हेई मीना को कॉल करके कहती है कि क्या तुम तैयार हो? वहीं दूसरी तरफ मैनेजर मीना को हर जगह फाइंड कर रहे थे क्योंकि उन्हें मीना कहीं भी नहीं मिल रही थी।
जिसके बाद वो कॉल करके तय क्यूंग शिन वू एंड जर्मी को भी इसके बारे में बता देते हैं, जिसके बाद वो तीनों भी वहां जाने का डिसाइड करते हैं। तय क्यूंग जब तैयार हो रहा होता है तभी वो उस डॉल को नोटिस करता है जिसमें से वो हेयर क्लिप गायब थी, और ये सब देखकर तय क्यूंग को पता चल जाता है कि मीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एज अ बॉय नहीं बल्कि गर्ल बन कर गयी है। तय क्यूंग मीना को कॉल करके कहता है कि देख पागल लड़की, तू जहाँ भी है ना प्लीज वहाँ से भाग जा, घर वापस चले जा, क्योंकि अगर तू लड़की बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई ना तो यहाँ पे तूफान आ जाएगा, वो भी बहुत बड़ा वाला, और जिसके बाद तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सो प्लीज किसी भी हाल में लड़कियों के कपड़े पहनकर यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पे हम तीनों सब कुछ संभाल लेंगे। जिसके बाद वो तीनों मीना को अलग अलग डायरेक्शन में फाइंड करने लगते हैं। वो तीनों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम में होते हैं तभी वहाँ की लाइट चली जाती हैं, जिसे देखकर तय क्यूंग कहता है कि मैं अंधेरे में मीना को फाइंड नहीं कर पाऊंगा, सो प्लीज तुम दोनों जाकर उसे फाइंड करो, और हाँ आज तुम्हें गोमिनम ऐसा लड़का नहीं बल्कि लड़की मिलेगी, क्योंकि वो रियल में भी एक लड़की है। जिसे सुनकर शिनवू एंड जर्मी दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। वेल, हमारा शिनवू तो इसलिए शॉक्ड होता है क्योंकि उसे पता चल गया कि शिनवू को भी तय क्यूंग को भी सब कुछ पता है कि मीना एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है, और जर्मी तो काफी बड़ा वाला शॉक्ड होता है क्योंकि उसे पहली बार पता चला है कि मीना लड़का नहीं बल्कि लड़की है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे मीना भी बिल्कुल लड़कियों की तरह तैयार होकर आ जाती है एंड धीरे धीरे स्टेज की ओर जाने लगती है। तय क्यूंग काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम प्लीज वहाँ पे कभी मत जाना जहाँ मैं तुम्हें ना देख पाऊँ, और तभी लाइट भी आ जाती है जिसके बाद मीना तय क्यूंग को एंड तय क्यूंग मीना को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। कि वो दोनों एक दूसरे को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे शिनवू आकर मीना को हक कर लेता है, और फिर क्या था, ये सब देखने के बाद तो सभी न्यूज रिपोर्टर्स उन दोनों की फोटोज क्लिक करने लगते हैं। शिनवू मीना को बचाने के लिए सभी न्यूज रिपोर्टर के सामने कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर तय क्यूंग एंड जर्मी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। एंड गाइज गेस व्हाट, आई नो कि अब मैंने इतनी बार इसे बोल चुका है कि आपको पता चल गया होगा कि यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।